ओम शांति। आज 3 अगस्त 2024 के साकार मथुर महावाक्य है। आज की मथुर मुरली में बाबा ने हम सबको कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ क्या है वो विशेष रूप से समझाया। कर्म किया, कर्म की आकर्षण से परे हो गए, कर्तापन के भान से परे हो गए, वो है कर्मातीत अवस्था। उसके लिए पूरा पूरा सरेंडर होना है, अर्थात मैंपन समाप्त हो जाए। जो कुछ मेरे पास है वो बाबा की अमानत है। अगर जरा भी मेरापन है, धन दौलत बच्चे कुछ भी याद आया, तो कर्मातीत नहीं बन सकते। बाबा है गरीब निवास, गरीबों का साथी। बाबा कहते यहाँ तो सब कुछ बुद्धि से भुलाना होता है, अपना कुछ है ही नहीं जो अंत में याद आए, एक बाबा याद रहे, ऐसा पुरुषार्थ करना है। जो साहूकार है उन्हें सब भूलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप बच्चों को जीते जी सब कुछ बुद्धि से भुला देना है, इसे बेहद का संन्यास कहते हैं। जो ब्राह्मण है वही देवता बनते हैं। अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि उनकी अवस्था कभी ऊपर कभी नीचे होती रहती है, तो ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। नए बच्चे पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं, नए आगे बढ़ते जाते हैं अगर योग पूरा है तो। योग किसी का 2 मिनट, किसी का 5 मिनट होता। भोजन करते भी बाबा को याद करना है। बहुत बच्चे हैं जो बाबा को भूल जाते हैं। बाबा कहते तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, माया तुम्हारा बुद्धियोग हटाएगी, लेकिन आपको हिम्मतवान बन एक बाबा को याद करना है। चलते फिरते भी बाबा याद आए, कोई क्रोध करता है तो तुम शांत रहो, तुम्हें कभी भी क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं रहना, तुम्हें शांत होकर जवाब देना है। जो बच्चे बाबा को याद करते हैं तो समझते हैं कि बेहद की स्टेज है, हम सब इसमें पार्टधारी हैं, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, ये है बेहद की अनलिमिटेड स्टेज, जिसमें तुम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए बंधी हुई हो। इसमें हरेक का पार्ट फिक्स है। ये है बेहद की अनलिमिटेड स्टेज, जिसमें तुम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए बंधी हुई हो। इसमें हरेक का पार्ट फिक्स है। क्वेश्चन है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? कर्मातीत बनना है तो पूरा पूरा सरेंडर होना पड़े, अपना कुछ नहीं, सब कुछ भूले हुए होंगे तब कर्मातीत बन सकेंगे। अंडरलाइन करेंगे, सब कुछ भूले हुए होंगे तब कर्मातीत बन सकेंगे। जिन्हें धन दौलत बच्चे आदि याद आते हैं वो कर्मातीत बन नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते मैं हूं गरीब निवाज। गरीब बच्चे जल्दी सरेंडर हो जाते हैं, सहज ही सब कुछ भूल एक बाबा की याद में रह सकते हैं। गरीब बच्चे सहज ही सब कुछ भूल एक बाबा की याद में रह सकते। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते, बच्चों की बुद्धि में जरूर है अब घर जाना है, भक्तों की बुद्धि में नहीं रहता। जो बच्चे बने उन्हें घर की स्मृति है कि हम परम धाम से यहाँ पर आए हैं, वापिस परम धाम जाना है। भक्तों की बुद्धि में नहीं रहता, जानते 84 का चक्र पूरा हुआ, ये बहुत बड़ा बेहद का मांडवा अथवा स्टेज है, अनलिमिटेड स्टेज है। इस पुराने मांडवे को छोड़ घर जाना है, और पवित्र आत्माएं तो जा नहीं सकती, पवित्र जरूर बनना है। अब इस खेल का अंत है, अपरम अपार दुखों की अब पिछाड़ी है। इस समय सब माया का पंप है, इसको मनुष्य स्वर्ग समझते हैं, कितने महल माड़ियां मोटरें आदि हैं, इसे कहते हैं माया का कंपटीशन। नरक की स्वर्ग के साथ कंपटीशन है, अल्पकाल के लिए सुख है, यह माया की लालच ड्रामानुसार। कितने ढेर मनुष्य हैं, पहले सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब तो मांडवा फुल भर गया, अब ये चक्र पूरा होता है। सब तमो प्रधान है,
सृष्टि भी तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान होनी है। सारी सृष्टि नई चाहिए, नई से पुरानी, पुरानी से नई, ये तो अनगिनत बार चलाया, अनादि खेल है। कब शुरू हुआ ये नहीं कह सकते, ये अनादि खेल है, कब शुरू हुआ कह नहीं सकते, अनादि चलता ही रहता, ये भी तुम जानते और कोई नहीं जानता। तुम भी इस ज्ञान मिलने से पहले कुछ नहीं जानते थे, देवता भी नहीं जानते थे, सिर्फ तुम पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण ही जानते हो, फिर ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा। बाबा ने सुखधाम का मालिक बनाया और क्या चाहिए, बाबा ने सुखधाम का मालिक बनाया और क्या चाहिए। बाप से जो पाना था वो पा लिया, बाकी कुछ पाने का रहता ही नहीं। तो बाबा समझाते, बच्चे तुम ही सबसे जास्ती पतित बने हो, पहले पहले तुम आए हो पार्ट बजाने, तुमको ही पहले जाना पड़ेगा, चक्र है ना, पहले पहले तुम ही माला में पिरोएंगे। ये रुद्र माला है, धागे में सारी दुनिया के मनुष्य पिरोए हुए हैं, धागे से निकल परम धाम में चले जाएंगे, फिर ऐसे ही धागे में पिरोए जाएंगे, बहुत बड़ी माला है। शिव बाबा के कितने ढेर बच्चे हैं, पहले पहले तुम देवताएं आते हो, यह बेहद की माला जिसमें सब मण के मिसल पिरोए हुए हों। रुद्र माला और विष्णु की माला गाई जाती, प्रजापिता ब्रह्मा की माला नहीं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की माला होती नहीं, क्योंकि तुम चढ़ते रहते हो, गिरते रहते हो, हार खाते रहते हो, गड़गड़ी माया गिरा देती, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है। जब पूरे पास हो जाते हैं तब विष्णु की माला बनती है, वो तो प्रजापिता ब्रह्मा का भी सिजरा है। जब पास हो जाते हैं तो कहेंगे ब्रह्मा की भी माला है, सिजरा बना हुआ है, इस समय माला नहीं बन सकती, क्योंकि आज पवित्र बनते हैं, कल माया थप्पड़ मार गिरा देती है, कला काया चट कर देती है, की कमाई चट हो जाती, टूट पड़ते, कहां से गिरते हैं जरा विचार करो। बाबा तो विश्व का मालिक बनाते, उनके श्रीमत पर चलने से तुम ऊंच पद पा सकते हो। हार खाई तो खलास, काम विकार महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी, बाकी सब विकार वो बाल बच्चे हैं, बड़ा शत्रु काम विकार है, उसके ऊपर जीत पानी है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे, ये पांच विकार आधा कल्प के दुश्मन है, छोड़ते नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आधा कल्प के दुश्मन है, छोड़ते नहीं। सब चिल्लाते हैं क्रोध करना पड़ता है, परंतु दरकार क्या पड़ी, प्यार से भी काम हो सकता है, चोर को भी प्यार से अगर समझाएंगे तो वो झट सच कह देंगे। बाबा कहते मैं प्यार का सागर हूं, तो बच्चों को प्यार से काम लेना है। बाबा प्यार सागर है, हमें भी प्यार से काम लेना है, भले कोई भी पोजीशन हो। बाबा के पास मिलिट्री वाले भी आते, उनको भी बाबा समझाते, तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करो, उन्हें कहा जाता तुम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। वास्तव में युद्ध का मैदान तो ये है, वो तो लड़ाई करते करते मर जाते तो फिर वहां जाकर जन्म लेते, क्योंकि संस्कार ले जाते, स्वर्ग में तो जा ना सके। तो बाबा उनको समझाते थे, शिव बाबा को याद करने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है, शिव बाबा की याद से विकर्म विनाश होंगे। थोड़ा भी ज्ञान मिला तो अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। तुम बच्चे मेला आदि करते हो तो कितनी प्रजा बनती है, तुम रूहानी सेना हो, इसमें कमांडर मेजर आदि इसमें कमांडर मेजर आदि थोड़े होते, प्रजा तो बहुत बनती है। जो अच्छी रीति समझाते तो कुछ ना कुछ अच्छा पद पाते हैं, जो दूसरों को अच्छी रीति समझाते वो अच्छा पद पाते, उसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती। तुम शिक्षा देते रहते हो, कोई तो बिल्कुल आप समान बन जाते हैं, कोई सबसे ऊपर भी वही जा सकते हैं, देखा जाता एक दो से ऊपर चले जाते, नए नए पुरानों से तीखे चले जाते, कोई ज्ञान में अभी भी चले फास्ट जाते हैं, बाप से पूरा योग लग जाए तो बहुत ऊंच चला जाएगा। सारा मदार है योग पर, नॉलेज बहुत सहज है, तुम फील करते होंगे। बाबा की याद में विघन पड़ते हैं, बाबा कहते भोजन खाओ तो भी याद में चेक करेंगे, भोजन खाते 20 मिनट लगे 30 मिनट लगे, क्या हमने याद में खाया या मोबाइल देखते देखते खाया।
जो कुछ हम देख रहे हैं वो सब भी अंदर जाता रहता है। बाबा के पक्के बच्चे वो भोजन याद में करें, जो काम है मोबाइल पर वो बाद में कर सकते हैं, याद में भोजन किया या नहीं चेक करो। भोजन खाओ याद में, कोई 2 मिनट कोई 5 मिनट याद में रहते, सारा समय याद में रहे बड़ा मुश्किल है। माया कहाँ ना कहाँ उड़ा देती है, बुला देती है, सिवाय बाप की और कोई की याद नहीं रहेगी, तब कर्मातीत अवस्था होगी। अगर कुछ भी अपना होगा तो याद आएगा, कुछ भी अपना नहीं, केवल एक ही अपना है, उस एक अपने को अपनाना है, अच्छी रीति अपनाना है, ताकि उसकी याद में कोई और याद ना आए। अपना होगा तो याद पड़ेगा, कुछ भी याद ना आए ये बाबा मिसाल है, इसको याद आएगा क्या? कोई बाल बच्चे धंधा आदि कुछ धन आदि नहीं, सिर्फ तुम बच्चे याद आते हो, तुम तो जरूर बाप को याद पड़ेंगे ही, क्योंकि बाबा आए हैं कल्याण करने के लिए। याद सबको करते हैं, फिर भी बुद्धि फूलों की तरफ चली जाती। फूल अनेक प्रकार के होते, कोई बिगर खुशबू भी होते हैं, बगीचा है ना, बाप को बागवान माली भी कहते हैं। तुम जानते हो मनुष्य क्रोध में आकर कितना लड़ते झगड़ते हैं, बहुत देहाभिमान है। बाबा समझाते, कभी कोई क्रोध करे तुम्हें शांत रहना है, क्रोध भूत है ना, भूत के आगे शांति से रिस्पॉन्ड देना है। कोई क्रोध करे तो आपको क्रोधी नहीं बन जाना, अपने को संभाल के रखना कि इफेक्ट ना जाए, शांति से रिप्लाई करना है। सर्व शास्त्र शिरोमणि श्रीमत भगवत गीता है, ईश्वरीय मत की। ईश्वरीय मत, आसुरी मत और दैवी मत, एक ईश्वर आकर बताते, राजयोग की नॉलेज देते, फिर ये नॉलेज गुम हो जाएगी। राजाओं का राजा बन गया फिर नॉलेज क्या करेंगे, 21 जन्म तो प्रारब्ध भोगते हो, वहां ही मालूम नहीं पड़ता कि इस पुरुषार्थ का ये फल है। अनेक बार तुम सतयुग में गए हो, ये चक्र फिरता रहता है। सतयुग देता है ज्ञान का फल, ऐसे नहीं कि वहां ज्ञान मिलता, बाप आकर यहां भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। बाबा ने बताया तुम्हें जास्ती भक्ति की, अब एक बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, इसमें मेहनत है। रचना के आदि मध्यंत को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। भगवान बच्चों को भगवान भगवती बनाएंगे, परंतु देहधारी को भगवान भगवती कहना रॉन्ग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर उनका क्या संबंध है, ब्रह्मा फिर विष्णु बनने वाला है, इसमें शिव की प्रवेशता है। सूक्ष्म मतन वालों को फरिश्ता कहा जाता, तुम्हें फरिश्ता बनना है, साक्षात्कार होता बाकी कुछ है नहीं, साइलेंस मूवी और टॉकी यह डिटेल, बाकी नटशेल में तो फिर भी कहते मन मना भव मामेकम याद करो, सृष्टि चक्र को याद करो। मन मना भव मामेकम सृष्टि चक्र को याद करो, यहां बैठे हो तो भी शांतिधाम सुखधाम को याद करो, इस पुराने दुखधाम को भूल जाओ। यह बेहद का संन्यास बुद्धि से, उनका हद का संन्यास, वह निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान नहीं दे सकते। राजा रानी बनना प्रवृत्ति मार्ग है, वहां है ही सुख, वो तो सुख को मानते ही नहीं। सन्यासी भी करोड़ों के अंदाज में है, उनकी परवरिश व कमाई होती गृहस्थियों से। एक तो तुमने दान पुण्य में लगाया, फिर पाप का धंधा किया तो पाप आत्मा बन गए। तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी है, तुम बच्चों को हमेशा ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी है। वो धर्मशाला आदि बनवाते तो दूसरे जन्म में अच्छा मिलेगा। ये तो है बेहद का बाप, यहां है बेहद का बाप। बाप क्या कहते हैं, बाप डायरेक्ट आकर के तुम्हें बातें समझाते हैं, वहां इनडायरेक्ट ईश्वर अर्पणम करते हैं। अब भूखा तो नहीं है, वो तो दाता है, ईश्वर अर्पण करते हैं। क्या ईश्वर को कुछ चाहिए हमसे? नहीं, वो तो दाता है, उनको भूख होगी क्या? श्री कृष्ण दाता नहीं, बाप तो सबको देने वाला है, लेने वाला नहीं। एक देवे 10 पाए, गरीब 2 रुपया देते तो पद्म मिल जाते। सुदामा का मिसाल है ना, भारत सोने की चिड़िया था, बाबा ने कितना धनवान बनाया। सोमनाथ के मंदिर में कितना अकिचार धन था, कितना लूट कर ले गए, बड़े बड़े हीरे जवाहरात थे, अब तो देखने में भी नहीं आते, कटकुट हो गए। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी,
वहां सब खानियां तुम्हारे लिए भरपूर हो जाएंगी। हीरे जवाहरात तो वहां जैसे पत्थर मिसल रहते हैं। सत्यु की दुनिया में हीरे जवाहरात तो पत्थर मिसल होते, बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते जिससे तुम अथाह धनवान बन जाते हो। तो मीठे मीठे बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, जितना पढ़ते रहेंगे खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। बड़ा इम्तहान पास करते तो बुद्धि में रहता है ना, ये पास कर फिर ये बनेंगे, ये करेंगे। तुम भी जानते हो देवता बनेंगे, ये जड़ चित्र है, हम वहां चैतन्य बनेंगे। ये चित्र तुमने जो बनाए कहां से आए, दिव्य दृष्टि से तुम देख करके आए हो। चित्र बड़े वंडरफुल हैं, कोई समझे ये ब्रह्मा ने बनाए। अगर ये कोई से सीखा होता तो सिर्फ एक थोड़ी सीखता, और भी तो सीखे हुए होते। ये कहते मैं कुछ भी सीखा हुआ नहीं हूं, ये तो बाबा ने दिव्य दृष्टि से बनवाए। बड़े सुंदर सुंदर चित्र हैं, आत्मा का चित्र, शिव बाबा का, ब्रह्मा विष्णु शंकर वाला, सीढ़ी गोला झाड़, ये सारे चित्र शिव बाबा ने दिव्य दृष्टि में बनवाए। ये चित्र सब श्रीमत से बने हैं, ये मनुष्य मत के नहीं है। ये सब खलास हो जाएंगे, कुछ भी नाम निशान नहीं रहेगा। इस सृष्टि का ही अंत है, भक्ति की कितनी सामग्री है ये नहीं रहेगी। नई दुनिया में सब कुछ नया। तुम अनेक बार स्वर्ग के मालिक बने हो, फिर माया ने हराया। माया विकारों को कहते ना कि धन को। तुम बच्चे रावण की जंजीर से आधा कल्प में फंसे हुए थे। रावण है सबसे पुराना दुश्मन, आधा कल्प उसका राज्य चलता। लाखों वर्ष कह देने से फिर आधा आधा हिसाब नहीं निकलता, कितना फर्क है। तुम्हें बाबा ने बताया सारे कल्प की आयु 5,000 वर्ष है, 84 लाख योनियां तो है नहीं, ये बड़ा गपूड़ा है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवी देवता इतने लाखों वर्ष राज्य करते हैं क्या, ये बुद्धि काम नहीं करती। सन्यासी तो समझते हैं अब हम अपने को रॉन्ग मान लेवे तो सब फॉलोअर्स हमें छोड़ देंगे, रेवोल्यूशन हो जाए, इसलिए अभी वो तुम्हारी मत पर चल अपनी राजाई नहीं छोड़ेंगे। पिछाड़ी में कुछ समझेंगे अभी नहीं, ना साहूकार लोग ही ज्ञान लेंगे। बाबा कहते मैं गरीब निवास हूं, साहूकार लोग कभी सरेंडर होकर कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। बाप तो बड़ा जबरदस्त सराफ है, गरीबों का ही लेंगे, साहूकारों का लेवे तो फिर इतना देना पड़े। साहूकार उठते ही मुश्किल है क्योंकि इसमें सब कुछ भूलना होता है, यहां सब कुछ भुलाना होता, कुछ भी पास ना रहे तब कर्मातीत अवस्था हो। साहूकार लोग भूल नहीं सकेंगे, जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया वही लेंगे, जिन्होंने 5,000 वर्ष पहले वर्षा लिया वो अब भी लेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखी लगे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार, जैसे बाबा प्यार का सागर है ऐसे मास्टर प्यार का सागर बन। प्यार से काम निकालना है, क्रोध नहीं करना। कोई क्रोध करे क्या करेंगे, तुम्हें शांत रहना है। अपना पार्ट याद रखेंगे, शांत रहना है। बुद्धि से इस पुरानी दुनिया को भूल बेहद का सन्यासी बनना है। शांतिधाम सुखधाम को याद करना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी है। जिसे बाबा प्यार का सागर है मास्टर प्यार का सागर बन। प्यार से काम निकालना है, क्रोध नहीं करना। कोई क्रोध करे तो तुम्हें शांत रहना है। बुद्धि से इस पुराने दुख की दुनिया को भूल बेहद का सन्यासी बनना है। शांतिधाम सुखधाम को याद करना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी है। वरदान है विकारों रूपी जहरीले सांप को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूरत भव। विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूरत भव। ये 5 विकार जो लोगों के लिए जहरीले सांप हैं, ये सांप आप योगी या परयोगी आत्मा के गले की माला बन जाते हैं। ये आप ब्राह्मणों व ब्रह्मा के अशरीरी तपस्वी रूप का यादगार आज तक भी पूजा जाता है। दूसरा, ये सांप खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं, ये स्थिति स्टेज के रूप में दिखाते हैं। तो जब विकारों पर ऐसी विजय हो तब कहेंगे तपस्वी मूरत प्रयोगी आत्मा। जब विकारों पर ऐसी विजय हो
तब कहेंगे तपस्वी मूर्त प्रयोगी आत्मा। स्लोगन है, जिनका स्वभाव मीठा शांत चित्त है उन पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता। जिनका स्वभाव मीठा शांत चित्त है उन पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं शांत चित्त आत्मा हूं, व्रत रखेंगे क्रोध मुक्त रहने का, जैसे बाबा प्यार का सागर है, जैसे बाबा मधुरता का सागर है, मैं मास्टर प्यार सागर हूं। मुझे भी बाप समान बहुत बहुत मीठा बनना है, शांत रहना है। बाबा अपने प्यार से शांति से हमें क्या से क्या बनाते हैं। मुझे भी बाप समान मास्टर प्यार सागर बनना है, शांत चित्त रहना है। बाबा से शक्तियां लेकर दूर दूर तक फैलाएं। मैं बाप समान शांत चित्त आत्मा हूं, मास्टर प्रेम सागर हूं। भले कोई मेरे समक्ष क्रोध करे, उस क्रोधी आत्मा को भी शांति का बल देना है, शुभ दुआएं देनी है, क्रोध मुक्त हो जाओ, स्वधर्म में स्थित हो जाओ। बाबा से शक्तियां लेते अपने संकल्प को दृढ़ता भरे संकल्प में कन्वर्ट कर ले। मैं बाप समान शांत चित्त आत्मा हूं, क्रोध मुक्त हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आज के ज्ञान मोती में हम जानेंगे वह मुख्य दो कारण कौन से हैं जिसकी वजह से बुद्धि एकाग्र नहीं रह पाती, व्यर्थ की तरफ जाती है। तो आइए सुनते हैं आज का ज्ञान मोती।